गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक विकास उन्मुख देश है और विकास उन्मुख देश में मूल विशेषताओं में भिन्न भिन्न मुद्दों में बांटा गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि देश में हमारे देश की अर्थव्यवस्था समझने के लिए हमें नई कुछ अर्थव्यवस्था विशेषताएं है, जैसे कि हमारे देश में कृषि प्रधानता। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस देश में 1951 में भारत की जनसंख्या 69.5% कृषि पर आधारित थी और वर्ष 2011 में अगर उसकी जनगणना देखेंगे तो उसके अनुसार थोड़ा प्रतिशत 49.9% कृषि पर निर्भर भी दिखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिशत लोग अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर आश्रित है। इसका मूल कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य क्षेत्रों का अगर समुचित विकास अगर देखेंगे तो रोजगार के अवसर कई गुणों में बांटे गए हैं। रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान अगर देखेंगे तो 13.9% से लगभग है या 14% है। भारत के निर्यात व्यापार में अगर देखेंगे तो कृषि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 17.3% इसकी भूमिका निभाती है। और अभी अगर उसको देखेंगे तो भारत की निर्यात घटकर 12% से 10% तक आई हुई है। इस तरह से कृषि की प्रधानता भारत में दिखाई देती है। दूसरा मुद्दा है प्रति व्यक्ति निम्न आय। प्रति व्यक्ति निम्न आय, भारत की प्रति व्यक्ति निम्न आय 2013-14 से अगर देखेंगे तो 39,904 इतनी प्रति व्यक्ति आय भारत में दिखाई देती है, जो विश्व के अन्य देशों में अगर देखेंगे, अन्य देशों में अगर छोड़कर बहुत ही न्यून है, न्यून प्रकार की। और विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 50 गुना, भारत की तुलना में 50 गुना से ही अधिक है, ऐसा दिखाई देता है। तो अल्प विकसित देशों में भी बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में बहुत अच्छी है। प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण, इसका जो परिणाम अगर देखेंगे तो बहुत अधिक भारत में निर्धनता। भारत एक गरीब और निर्धन राष्ट्र है, ऐसे मानते हैं। इस निर्धनता की वजह से, इस निर्धनता का मूल कारण ही देश की आधी जनसंख्या, राष्ट्रीय आय में से मात्र 20% ही प्राप्त होता है। और जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करता है। इस वर्ग को अगर देखेंगे तो न तो पेट भर भोजन मिलता है, न ही जीवन का उसके कोई आधार दिखाई देता है। यानी 21% लोग दो वक्त की रोटी 21% लोगों को नसीब नहीं होती, ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा भुखमरी है और गरीब है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से है, इसका अगर विवेचन करें तो भारत ग्रामों का देश माना जाता है। आज अगर वर्तमान स्थिति में भारत में 5,94,000 गांव लगभग पाए जाते हैं, यानी 6 लाख के करीब करीब भारत में ग्राम बसे हुए, गांव बसे हुए। और भारतवर्ष में अगर देखें 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो कुल जनसंख्या 68.84% ग्रामों में निवास करती है। यानी भारत में 68.84% ग्रामों में जनसंख्या निवास करती है। और भारत में 10 व्यक्तियों में से 7 गांव में निवास करते हैं, 10 व्यक्तियों में से 7 लोग गांव में निवास करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या का प्रमाण या प्रतिशत विकसित देशों में भी पाया, विकसित देशों की तुलना में अगर देखेंगे तो बहुत अधिक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 24.36% तथा 19% है। तो इस प्रकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे देश में दिखाई देती है। नेक्स्ट, जनसंख्या में तीव्र गति में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र गति में वृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या विस्फोट की अवस्था सबसे, यानी जनसंख्या का विस्फोट या जनसंख्या के विस्फोटक की अवस्था से भारत की जनसंख्या गुजर चुकी है। इसका 1981 में जो जनसंख्या का जो जनसंख्या देखेंगे तो 1971 और 1981 के बीच में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा, यानी 2.3% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। और 1981 टू 91 में भारत की जनसंख्या वृद्धि 2.11% वार्षिक रही है, और 1991 टू 98 की अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि 1.9% हो गई है, और जनसंख्या का घनत्व बढ़कर 313 था, और 2001 में अगर देखेंगे तो 325 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था, और 2011 में देखेंगे तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। इस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन 2018-19 में अगर देखेंगे तो 1.3% से जनसंख्या कम आ चुकी है। इसका कारण सबसे ज्यादा एक तो कोविड-19 में भारतीय गरीब जनता जो है शहरों से पलायन, हजारों तादाद में 8 करोड़ जनसंख्या पलायन हो चुकी है शहरों से, और वो सबसे ज्यादा दुनिया के सभी देशों में से सबसे ज्यादा गरीब लोगों का पलायन या शहरों से ग्रामों में देखने को मिला। उससे बड़ी तादाद में जनसंख्या हताहत हुई है और काफ़ी उसका नुकसान हुआ है, बड़ी तादाद में जनसंख्या उसमें घटी हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। आए दिन भारत सरकार के पास यक्ष प्रश्न है कि जनसंख्या का नियंत्रण का कानून न बनाकर भी भारत की जनसंख्या कम हुई है, ये एक आश्चर्यजनक बात हुई है। तो व्यापक बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये भी एक विशेष भारत की मूल विशेषताओं में से दिखाई देता है। भारत में व्यापक स्तर पर देखेंगे तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था का एक प्रश्न रह चुका है बेरोजगारी, और इस बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस जनसंख्या में अगर देखेंगे प्रतिवर्ष लगभग 65 लाख व्यक्ति बेरोजगारी की पंक्ति में पाए जाते हैं, और इस प्रकार बेरोजगारी की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और कृषि प्रधान देश होने के कारण सबसे ज़्यादा अदृश्य बेरोजगारी हमारे देश में पाई जाती है, यह पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। देश में बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में भी संपूर्ण समय के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है, अर्थात जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं उसमें भी अर्ध बेरोजगारी की स्थिति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी 16 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, आई जो मार्च से जून जुलाई तक 10 करोड़ लोग बेरोजगार पाए हैं हमारे देश में। कोविड-19 में 10 करोड़ लोगों की बेरोजगारी निर्माण हुई है, और पिछले 2 महीने में 2 करोड़ बेरोजगार हुए हैं। ऐसे बड़ी मात्रा में बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है, ये भी एक विशेष विशेषताओं में हमने अध्ययन करना चाहिए। पूंजी का अभाव, यह एक मुख्य विशेषताएं रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है पूंजी का अभाव। भारत में प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक कम, भारत में प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो अत्यधिक कम है, होने के कारण पूंजी निर्माण एवं विनियोग की दर अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। वास्तव में देखेंगे तो पूंजी निर्माण
पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और जापान में पूंजी निर्माण की दर 33% है, 33% है, जबकि भारत में यह 32.3% है। और आए दिन अगर देखेंगे तो भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, या हमें देखेंगे तो भारतीय बैंकों में डिफॉल्गेशन या करप्शन के कारण बड़ी तादाद में राष्ट्र की आय या जीएसटी कम मात्रा में होने के कारण देश का आर्थिक विकास भी कम हो रहा है या पूंजी का अभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है। प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, प्राथमिक साधनों की प्रचुरता, ये भी एक विशेषता है, भारत की प्रकृति बहुत ही उदार है, होने के कारण भारत को प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में, अनंत मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है। और यहाँ बहती हुई नदियां, बड़ी नदियों का भंडार हमारे देश में है, सोना, चांदी, कोयला, लोहा, उर्वरक, मैग्नीज, ऐसे बड़े बड़े खनिज पदार्थों का विपुल भंडार हमारे देश में पाया जाता है। वन संपत्ति विशाल प्रमाण में है, शक्तियों के साधन का बाहुल्य दिखाई देता है। और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जलवायु बहुत सुहावनी है। और भारत का दुर्भाग्य है, हमारे देश में वन संपत्ति विशाल प्रमाण में है, शक्ति के साधनों का बड़ी मात्रा में शक्ति है। भारत का दुर्भाग्य है कि प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन नहीं हो सकता। भारत में कई भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी खामियां हैं, रूस खामियों में वितरण की समस्या, असमानताएं सबसे ज्यादा बढ़ रही है, सामाजिक सद्भाव चाहिए वो सद्भाव न होने के कारण वितरण की समस्या बड़ी पैमाने में निर्माण हो रही है। तो निर्बल आर्थिक संगठन, ये भी एक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता मानी जाती है, निर्बल आर्थिक संगठन। भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक संगठन निर्बल है, सबल नहीं है, निर्बल है। यहाँ पर बचत की सुविधाएं कम है, बैंकिंग सुविधाओं का विकास कम होने के कारण भारतीय क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो आज भी साहूकारों तथा महाजनों का बोलबाला दिखाई देता है। जनता को विनियोग क्षेत्र की पूरी जानकारी नहीं है। औद्योगिक वित्त का सबसे ज्यादा अभाव दिखाई देता है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भिन्न भिन्न संस्थाओं की, बैंकों की, वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता है, और उनका यह अभाव बड़ी पैमाने में दिखाई देता है। आज हमारे देश की सरकारें सबसे कम बैंकों का बैंक रखना चाहती है, चार बैंक रखना चाहती है। इतने विशाल देशों में कई प्रकार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशाल वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करने की जरूरी है। गांव-गांव में वित्तीय संस्थाएं निर्माण करके लोगों को रोजगार या विनियोग निर्माण करने की एक हैबिट निर्माण करने की जरूरी है। तो यहाँ वित्तीय संस्थाओं को बड़ी मात्रा में कम करने का प्रयास सरकार का दिखाई देता है। आर्थिक विषमता, हमारे देश में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता अगर देखेंगे तो भारत में आर्थिक विषमता, भारतीय अर्थव्यवस्था में धन एवं संपत्ति के वितरण में बड़ी मात्रा में असमानता दिखाई देती है। और मानव विकास रिपोर्ट 2006 का अगर देखेंगे तो उसके अनुसार 20% सबसे संपन्न लोग कुल उपभोग का 86% भाग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार में हमारे देश में 553 लोगों के पास 27% संपत्ति, जीडीपी की पूरी संपत्ति है। हमारे देश में ऐसे धनिक लोग हैं कि यानी मुट्ठी
कोटिवर लोगों के पास विशाल धन संपदा होने के कारण यहाँ गरीब गरीब और गरीबों की संख्या बड़ी मात्रा में फलती फूलती दिखाई देती है। विश्व जनसंख्या के निर्धनता का प्रतिशत देखिए तो 20% लोग कुल उपभोग का 1.0% प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार अगर देखेंगे तो वर्तमान मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय सभी प्रदेशों में समान नहीं है। प्रति व्यक्ति आय सभी प्रांतों में समय सभी प्रदेशों में समान नहीं है। और प्रति व्यक्ति आय के मामलों में भारत में देखेंगे तो चंडीगढ़ पहले नंबर के स्थान पर है। और इस मामले में इसका शीर्ष स्थान विगत 5 वर्षों में से बना हुआ है। और दूसरे तीसरे स्थान पर गोवा और दिल्ली इस ऐसे स्थान पाए जाते हैं। कुशल श्रम एवं तकनीकों की ज्ञान का अभाव, भारत में कुशल श्रम एवं तकनीकों की ज्ञान का अभाव। भारत में गत वर्षों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति होने पर भी तकनीकी का ज्ञान का अभाव बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। श्रमिकों की कुशलता का स्तर बहुत ही नीचा है। यहाँ पर प्रति हेक्टर उपज और प्रति व्यक्ति श्रमिक उपज दोनों का स्तर देखेंगे तो अन्य देशों की तुलना में बहुत ही नीचा है। और कृषि एवं उद्योग दोनों को ही अगर दोनों की धंधों की पिछड़ी हुई अवस्था बड़ी मात्रा में हमारे देश में दिखाई देती है। यानी कुशल श्रम और तकनीकों की ज्ञान का अभाव हमारे देश में अधिक मात्रा में बढ़ते हुए मात्रा में दिन ब दिन दिखाई देता है। तो परंपरावादी समाज हमारे देश में एक भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यवस्था की जो विशेषता है परंपरावादी समाज यानी ट्रेडिशनल सिस्टम हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में प्रचलित जाति प्रथा संयुक्त परिवार पर्दा प्रथा बाल विवाह प्रथा उत्तराधिकारी के नियम धार्मिक अंधविश्वास और छुआछूत जैसे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के कारण प्राचीन मात्रा में उनकी प्रवृत्तियों की पोषकता हमारे देश में और नई प्रवृत्तियों से मेल नहीं खाती है। और इन अनार्थिक प्रवृत्तियों के कारण भारत के आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर रखा हुआ है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोड़ा परंपरावादी समाज ने निर्माण किया हुआ है। अन्य विशेषताएं अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्य विशेषताओं में अगर देखेंगे तो भारतीय समुद्र तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव। समुद्र तट पर देखेंगे तो समुद्र तट पर काफी समस्याएं दिखाई देती है। जीवन स्तर नीचा है, विदेशी व्यापार बहुत पिछड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था असंतुलित पाई जाती है, विपुलता के बीच में दरिद्रता यानी पावर्टी बड़ी मात्रा में बढ़ती हुई दिखाई देती है। बाजार में डिफ्लेशन इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये जो उत्पादन के साधनों में जो गतिशीलता का अभाव यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो क्रिएट होता है इसमें भारतीय उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव इसमें दिखाई देता है। और मूल्यों में बेलोचता और वैशिष्टीकरण का अभाव भी हमारे देश में काफ़ी अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। तो इसमें इस परिस्थिति के कारण देश में अज्ञानता और सामाजिक ढांचा का अभाव सबसे साफ सुथरा होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, इस मात्रा में इसमें कमजोर है। परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में परिवहन एवं संचार का अभाव बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। भारत परिवहन व संचार साधनों की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। आज भी देश में कच्ची सड़कों की संख्या बहुत मात्रा में अधिक है और ग्रामों की बहुत बड़ी संख्या आज भी सड़कों से नहीं जुड़ी हुई है।
और इसी प्रकार से देश के संचार साधनों का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हुआ। और विकसित देशों की तुलना में अगर देखेंगे तो भारत में परिवहन और संचार साधनों का सबसे ज्यादा अभाव दिखाई देता है। वर्तमान स्थिति में जो बांग्लादेश भी आगे जा चुका है, श्रीलंका भारत से आगे जा चुका है, इतना ही नहीं तो नेपाल भी भारत से आगे जा चुका है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि में अगर देखेंगे तो ये सबसे लेटेस्ट जानकारी के अनुसार हम देखेंगे तो भारत 107 देशों में से 94 देशों पर एक क्रमांक पर भारत पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। तो यह इस प्रकार की विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है। इससे और अन्य नई विशेषताओं का निर्माण अगर देखेंगे तो नियोजित अर्थव्यवस्था भारत की किस प्रकार की है, तो 1 अप्रैल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। उसको मिश्र अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाई थी, मानते थे, जिसमें भारत में अब तक 12वीं पंचवर्षीय योजना तक देश की अर्थव्यवस्था में सुधार या जो गतिशीलता या जो भी कमजोरियां पाई जाती है तो एक समग्र योजना थी, उसको पंचवार्षिक योजना कहलाते थे। और उस पंचवार्षिक योजनाओं के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा एक योजना, कई योजनाएं चल रही थी, उसके अनुसार देश में आर्थिक आयोजन में कई सारी उपलब्धियां निर्माण हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र का बढ़ता हुआ भाग अगर देखेंगे तो भारत में सार्वजनिक उपक्रम बड़ी पैमाने में निर्माण हुए थे। लेकिन 1991 के बाद सबसे क्या हुआ, 1991 में एलपीजी का मामला है, लिबरलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण के दौर के कारण हमारे देश में जो अमेरिकन पूंजी की अर्थव्यवस्था हमारे देश में जो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पूंजीवादी देश, भारत एक पूंजीवादी देश या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश वर्तमान स्थिति में पाया जाता है, तो उद्योग क्षेत्र की संख्या पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती थी। आज वर्तमान स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री हो रही है या नीलामी हो रही है। भारत देश की सरकार ने भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की नीलामी करके देश की बड़ी सार्वजनिक उपक्रमों की नीलामी करके या बिक्री करके देश में प्राइवेटाइजेशन का निर्माण होने के कारण देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी निर्माण हो रही है और बैंकों में बड़ी मात्रा में डिफॉल्केशन या करप्शन की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक हुई है। 20 लाख करोड़ आए अगर वर्तमान स्थिति में देखिए बैंकिंग में एनपीए का रेशो 20 लाख करोड़ रुपए तक जाने की संभावना, 31 दिसंबर तक 20 लाख करोड़ रुपए एनपीए होने की संभावना दिखाई देती है। इसके कारण अने ये जो जीएसटी का जो जीएसटी बड़ी मात्रा में जो जीएसटी सरकार ने एक दूसरी स्वतंत्रता की एक रिवॉल्यूशन बताई थी सरकार ने, वो दूसरी सेकंड रिवॉल्यूशन अब जीएसटी, वो जीएसटी की प्रकार में जीएसटी की प्रक्रिया में काफ़ी बाधाएं आई है और अड़चनें आई है, उसके कारण देश में एक अराजकता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अराजकता का माहौल दिखाई देता है। और कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी 23.9% माइनस हो चुकी है। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं में अगर देखेंगे तो ये ड्रॉबैक है या बड़ी एक उससे हम देखेंगे कि इसमें एक ट्रेजेडी है या त्रासदी वाली अर्थव्यवस्था निर्माण हो रही है। यह इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में एक अभाव भी दिखाई देता है और एक सुदृढ़ता भी दिखाई देती है। थैंक यू।